नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? एम पढ़ेगा पढ़नी की जाती है, चलो एम बताना पड़ेगा। एम का बहुत बड़ा बॉडी में अडैप्ट, ये रूल है, पत्थर पे खिंची लगी है। एक हफ्ते में एक दिन एक्सरसाइज से बॉडी बन सकती है, फैट लॉस नहीं। प्रोटीन कितना लेना है, कितना प्रोटीन लेना होता है? पर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही नेचुरल, कोई छोटी सीधी चीजें नहीं लेते, ये लोग नहीं करते। लोग एक फिक्स डाइट फॉलो करते हैं, है ना। मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ, मैं तो दो ही रोटी खाता हूँ, मैं तो एक ही ब्रेड लेता हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक एनर्जी वाला भी कॉन्सेप्ट, थोड़ा वजन 10 किलो कम कर लिया, उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है कम होना। वही चीज कम नहीं होती, फिर हमें लगता है अब क्या हो गया, हम प्लेटू पे आ गए। प्लेटू पे नहीं आ गए, वो रेशियो चेंज हो गया। आपकी बॉडी बनती किससे है, बॉडी की ग्रोथ स्पीड कितनी है। अल्टीमेटली मसल ग्रो करने वाले कई लोग होते हैं, है ना। तो मसल ग्रोथ का स्पीड क्या है, वट एवर यू डू, बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट डाइट, बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स कितना चाहिए ताकि फैट लॉस। ऐसी कुछ टाइप की एक्सरसाइजेज हैं जो 80-90% तक फैट्स यूज करते हैं। देयर विल बी अ स्टेज व्हेन यू विल रीच टू 1.5 ग्राम, ऐसी स्टेज आएगी जब आप 2 ग्राम पर केजी पे आओगे। यू नीड टू नो द रेशियो ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन। आपने अपना सब लोग सारे दिन का खाना इस टेबल पर रख दिया, बेस्ट जो टेक्निक होती है ना प्रोटीन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने की, वो 1000 क्रंचेस आपके एब्स को थका जरूर देंगे लेकिन आपके एब्स के ऊपर का फैट नहीं हटाएंगे।